हो रहे हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने नोटिस जारी करने के साथ ओपिनियन में यही कहा कि आज का जो परिदृश्य है इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, पारिवारिक विवाद, सामाजिक विवाद, जिनकी वजह से समाज के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 31 से 55 के बीच में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट दिए गए हैं, उन राइट में आर्टिकल 44 में भी ये गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया कि वो अपने ऐसे नियम बनाए जिन नियमों के होने से जो जेंडर में डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस ख़त्म हो जाएं और पुरुष या महिला जो भी है उनको वैधानिक रूप से समान अधिकार मिलते हुए वो अपने पारिवारिक जीवन की को आगे अग्रसारित कर सकें। आर्टिकल 44 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट दिया गया जो गवर्नमेंट को, उसका अनुपालन करने के लिए ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने व्यू दिए और ये कहा कि UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड अब महती आवश्यकता है समाज के लिए, देश के लिए और हर नागरिक के लिए कि इसको लागू किया जाए। और इसको लागू कर दिए जाने के बाद जो लोगों के अधिकारात हैं उन अधिकारात में बढ़ोतरी होगी और लोग अपने जीवन को, चाहे आर्टिकल 21 की बात करें, चाहे आर्टिकल 19 की बात करें या आर्टिकल 31 से 55 की बात करें, सभी जो देश के नागरिक हैं उनके अधिकारों का संरक्षण हो सकेगा। जी लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर डबल फ्लैश हो रहे हैं। आपका कानून से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं, धर्मेंद्र जी आपको जवाब देंगे। और इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, मालदार है, बीकानेर से, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ साहब नमस्कार। जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ साहब, मेरा सवाल क्या है, मैं सर्विस मैटर्स के केस को रीओपन करवाना चाहता हूँ वापस। जी अपना प्रश्न पुनः पूछिए। सर्विस मैटर का केस है मेरा। जी सर्विस मैटर का मेरा केस है, मैं उसे रीओपन करवाना चाहता हूँ वापस दोबारा कोर्ट में। मैं मेरे विपक्ष में नहीं गया। देखिए सर्विस मैटर्स में जो भी रिलीफ आपको चाहिए उसके लिए यदि आपने कोई रिट प्रस्तुत की और उस रिट में जो ऑनरेबल कोर्ट का व्यू है वो आपके अगेंस्ट में आ गया है तो उसको रीओपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके कथनानुसार वो मेरिट पे डिसाइड हुआ है। लेकिन उस ऑर्डर से, जिस ऑर्डर पे आपके खिलाफ कोर्ट ने व्यू दिया है, उस ऑर्डर के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। अपील आप डबल बेंच के समक्ष कर सकते हैं यदि आपके जो आपका डिसाइड हुआ है इशू रिट सिंगल बेंच से, तो आप डबल बेंच में उसकी अपील कर सकते हैं या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आप SLP के रूप में भी जा सकते हैं। आप अपने रिट में हुए ऑर्डर को रिकॉल नहीं करा सकते मेरिट पे वैधानिक रूप से, लेकिन उसकी अपील या रिवीजन जो भी लाई करता है वो आप कर सकते हैं। और उसमें यदि कोई भी फैक्ट आपका कंसीडर करने से रह गया है तो उस फैक्ट को आपको न्यायालय के समक्ष रखने के भी विधिक अधिकार हैं। तो ऐसी स्थिति में सर्विस मैटर के जो इशू आपके अगेंस्ट में डिसाइड हुए हैं वो इशू हो सकता है आपके फैक्ट, आपके लीगल प्रेजेंटेशन के आधार पर आपके फेवर में जजमेंट आ जाए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अगर आपके भी कानून से जुड़े कोई सवाल हैं, आप उनका जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर और वकील साहब आपको जानकारी देंगे। सर आपका मुझसे आपका एक और सवाल है कि सोसाइटी में दो दो कमेटी बनने पर क्या विधिक कार्रवाई होती है। देखिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में जो भी सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड होती हैं उन सोसाइटियों का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है सोशल कॉज, यानी सामाजिक हित में कार्य करना। सोसाइटी यदि विद्यालय चला रही है तो सोसाइटी का उद्देश्य विद्यालय को संचालित करने के लिए होगा। सोसाइटी यदि हॉस्पिटल चला रही है तो सोसाइटी का उद्देश्य हॉस्पिटल को संचालित करने के लिए होगा। इसी प्रकार सोसाइटी का जो भी सामाजिक धार्मिक उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई जाती है। अब सोसाइटी रजिस्टर्ड करा दिए जाने के बाद जो नियमावली में प्रोविजंस हैं,
सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी का जो सोसाइटी को मैनेज करेगा, उस में बहुत सारी सोसाइटियों में देखने को मिलता है कि मेंबरशिप के डिस्प्यूट हो जाते हैं, इलेक्शन के डिस्प्यूट हो जाते हैं, या जो इलेक्शन के बाद रिजल्ट आते हैं उनमें डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी सोसाइटी में एक कमेटी बन गई इलेक्शन के बाद, उसी समय दूसरी कमेटी भी बन गई पुनः इलेक्शन कराते हुए, तो वहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के पदासीन होने का विवाद उत्पन्न हो जाता है जी। जिसको डिप्टी रजिस्ट्रार के पास फर्स्ट प्रायोरिटी पे जब सूची दर्ज कराने के लिए दी जाती है, तो उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार को ये राइट है कि वो अपने स्वविवेकानुसार कौन सा लीगल इलेक्शन हुआ है और उस इलेक्शन को कंडक्ट करने के बाद जो इलेक्टेड पदाधिकारियों की लिस्ट है वो कौन सी सही है, उस पर वो डिसीजन दे सकते हैं। यदि उस सूची को वो दर्ज नहीं करते हैं और उनको लगता है कि दोनों सूचियों में डिस्प्यूट है, डिफरेंस है, या विवाद इस कदर है कि वो उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर फिर उनको सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में सेक्शन 25 सब क्लास 1 का जो प्रोविज़न है, उस प्रोविज़न में दोनों सूचियों, उनसे संबंधित फैक्ट, उनकी प्रोसीडिंग्स, उनके एजेंडा, उनमें जो मेंबर प्रेजेंट थे, उन सब के डिटेल के साथ उसका रेफरेंस वो SDM को कर सकते हैं। अब जब रेफरेंस SDM को जाता है तो फिर SDM इस इशू को डिसाइड करने के लिए सेक्शन 25 सब क्लास 1 ऑफ द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में राइट रखते हैं। उन्हें विधिक अधिकार है कि वो इस तरह के विवादों का निस्तारण कर सकें, और सामान्य तौर पर जो इस तरह के विवाद होते हैं वो SDM के समक्ष रेफरेंस जाने के बाद निस्तारित हो जाते हैं, अन्यथा जो आदेश SDM महोदय को होता है उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट जाते हैं, तब उनको एक स्पेसिफिक रिलीफ प्राप्त हो पाता है जी। आपसे ये भी जानना चाहूँगी मैं कि किसी व्यक्ति के पास कितनी कृषि भूमि हो सकती है। देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न का जो निहितार्थ है वो ये है सीलिंग से संबंधित। अभी सीलिंग एक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रभावी रहा, फिर प्रभावी नहीं भी रहा, लेकिन जो उसका प्रिंसिपल लॉ है वो अभी भी फॉलो किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति एग्रीकल्चर लैंड को 12.5 एकड़ लैंड से ज़्यादा नहीं ले सकता है। तो जब 12.5 एकड़ लैंड को कोई परचेज कर लेता है और उससे ऊपर, धर्मेंद्र जी माफ कीजिएगा मैं आपको इसी बीच यहाँ पर रोकना चाहूंगी, और इस वक्त आपको लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। इसी बीच आपको लखनऊ से बड़ी खबर, आतंकवादियों के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि ATS को आज एक बड़ी सफलता हासिल हुई जिसमें 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, और जानकारी मिल पाई है कि उमर अल अंडी कंट्रोल कर रहा था इन आतंकियों को, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से हुई है हैंडलिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं, छोटे ब्लास्ट की वजह से ATS को सुराग मिला था, कुछ और आतंकी भी मौके पर छिपे हो सकते हैं। छावनी में इलाके को तब्दील कर दिया गया है, चारों तरफ से घर को घेर लिया गया है और लगातार छापेमारी की जा रही है। आतंकियों ने गिरफ्तारी से पहले कुछ जलाया भी था। आपको बता दें कि रायबरेली और सीतापुर में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है इस ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि वहां से भी आतंकियों के तार जो है वो जोड़े जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भरत शेट्टी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। भरत, पाकिस्तान से तार जोड़े जा रहे हैं इन आतंकियों के, क्या कुछ अभी तक अपडेट्स मिल पाए हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार SDF ATS पूछताछ कर रहे हैं पकड़े गए आतंकियों से। 2 लोगों को फिलहाल अभी पकड़ा गया है और कई लोग संदिग्ध लोगों को भी अभी उठाया गया है। बता दें कि मलियाबाद से भी कई लोगों को, संदिग्ध लोगों को उठाने की जो सूचना है वो मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, जो आतंकियों की जो तार है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जिस बात से सामने आ रही है, अमर उल बिदीन जो है आतंकी जो कंट्रोलर था उसने पूरा ये मैनेज किया हुआ था। लखनऊ में जिस तरीके से बड़े हमले की जो साजिश थी वो नाकाम करी गई है। छोटे ब्लास्ट की वजह से ATS को एक सुराग मिला था, जिसकी वजह से लगातार छानबीन कर रही थी ATS, पूछताछ लगातार की जा रही थी और बड़ा अहम गिरफ्तारी इसको मानी जाती है। ATS की बड़ी 2022 के चुनाव के मद्देनजर बड़ी घटना को भी ये अंजाम दे सकते थे। फिलहाल बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलिस के संपर्क में भी जो है लखनऊ ATS और ATS IG जो है GK गोस्वामी मौके पर मौजूद है। आपको यही बताना चाहेंगे, लगभग 5 घंटे से ज्यादा
5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, लगातार प्रयास किया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात एक ये भी सामने आ रही है कि आतंकियों को जब पकड़ा गया था उससे पहले ही उस लोगों ने कुछ कागजात को जलाया था, वो कागजात क्या थी, क्या उसमें मेंशन था, क्या चीज लिखी हुई थी, बहुत ये एक उसके बाद जब एटीएस ने जानकारी उनको कुछ जो वहां से तक उनको मिले कागज कुछ मिले, वो कागज भी मतलब ये कि ये जो आतंकी थे शायद इन्हें जानकारी मिल गई थी कि एटीएस छापा मारने वाली है। बिल्कुल, देखिए जानकारी ये कैसे जानकारी मिली कैसे पहुंचे, लेकिन हाँ तत्काल जैसे यहाँ पर जो तमाम जो एटीएस फोर्स थी मौके पर तुरंत पहुंची और घर को कब्जे मिल गया, उसी दौरान उन्होंने जैसे ही अंदर पहुंचे कुछ कागज जो कागज थे वो जले मिले, तो जानकारी मिलने के बाद तत्काल एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया, तुरंत सर्च ऑपरेशन चलाया गया, दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी कई लोग अगर सूत्रों की माने तो कई लोग 5 से ज्यादा लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, सूत्र है बता रहे हैं, जिस तरीके से कहीं हो सकता है कहीं लखनऊ में ही कहीं छुपे हो। फिलहाल लगातार एटीएस की कई टीम लगातार छानबीन कर रही है और लखनऊ के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र है वहां पे भी जो एटीएस की टीम लगातार निगरानी बनाई हुई है। अब अभी भी लगातार 5 घंटे से ऊपर का समय हो गया है, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, हम देखते हैं कि आगे क्या, और शाम को इसी महत्वपूर्ण को लेकर हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हो। और जो एक सूत्रों की और माने तो लगातार जो बातें सामने निकल के आ रही है, जो बीजेपी के कई बड़े नेता और सांसद भी हो सकता है इनके निशाने पर रहे हो, उसके दौरान इनको जो एटीएस को इनपुट होता है लगातार गिरफ्तारी और पूछताछ की जा रही है और घर के अंदर 5 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है जो अभी छानबीन की जा रही है। जी भारत, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अंदर और लोग भी हो सकते हैं, इसको लेकर क्या अभी तक कुछ अपडेट मिल पाया है? आसपास के घरों को खाली करवा दिए गए, एटीएस की जो टीम है जो कमांडो है लगातार घरों पर निगरानी बनाए रखे हैं, आसपास के घरों की छतों पर भी निगरानी बनाए रखे हुए हैं। फिलहाल लगातार अंदर के सर्च ऑपरेशन जारी है और अंदर घुसने के कुछ घरों में प्रयास किया जा रहा है, 3 घरों को पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया एटीएस के द्वारा और लगातार जो ऊपर जो छतों के ऊपर भी एटीएस के जो जवान है वो मुस्तैद कर दिए गए। कोई बड़ी घटना ना हो जाए इसको लेकर एटीएस भी को अपने जो कदम है वो धीमे धीमे उठा रही है, क्योंकि आसपास जो एरिया है काफी रश वाला एरिया है और आम जनता का भी हुजूम यहाँ पे लगातार जम होता जा रहा है और सावधानी लगातार एटीएस के अधिकारी बरत रहे हैं और कई बड़े जो आरक्षकारी आईजी के रैंक के अधिकारी गोस्वामी जी है वो भी अंदर घर में इसमें मौजूद है और लगातार छानबीन की जा रही है और अगल बगल रहने वाले जो लोगों ने भी पूछताछ की जा रही है कि कौन सी बातें सामने निकल के आती है, लगातार जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब सामने जरूर बातें आएंगी। जी भरत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सीतापुर और रायबरेली में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए तमाम जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, लखनऊ से बाद काकोरी से मलियाबाद में और आसपास के जो जिलों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया, लखनऊ एयरपोर्ट में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहाँ से जितने भी जो लोग भागे हैं जो जानकारी मिल रही है लगभग 5 लोग थे जो यहाँ से फरार हुए हैं उसको लेकर भी लगातार टीमें मुस्तैद कर दी गई हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं, अलर्ट पे कर दिया गया और लगातार जो फोन की जो सर्विलांस की जो फोन है वो लगातार फोन की भी जांच की जा रही है और जिस तरीके से ये बड़ा एक घटना को अंजाम देने के प्रयास में जो दो आतंकी फिलहाल अभी पकड़े गए और सूत्रों की माने तो एटीएस ने कई अन्य लोगों को भी जो संदिग्ध लोगों को उनको भी उठाया है और लगातार उनसे भी पूछताछ की जा रही है। जी जी भरत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें लखनऊ से इस वक्त का बड़ा अपडेट, आपको बता दें एटीएस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इन आतंकवादियों के तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उमर अल इंदी जो है वो इनका कंट्रोलर था, वो इनको हैंडल कर रहा था, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से इनकी हैंडलिंग हो रही थी। और जैसे कि जानकारी मिल पा रही है हमारे संवाददाता भरत शेट्टी ने भी बताया कि जो आतंकवादी थे उन्होंने जब छापा मारा गया उससे पहले कुछ कागजात जलाए थे और इसका मतलब यही है कि शायद उनको पहले से कहीं से जानकारी मिल गई थी कि छापा पड़ने वाला है और उन लोगों ने वो जो कागजात थे वो जला दिए। फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है इलाकों को, आसपास के जो जिले पड़ते हैं उनको भी हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, सीतापुर रायबरेली हाई अलर्ट पर है। और अब रुक करेंगे वकील आपका भी। सर आपसे मेरा अगला सवाल यही है कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी कृषि भूमि हो सकती है, इस पर हम बात कर रहे थे। जैसा कि दर्शकों को मैंने बताया जो सीलिंग एक्ट में प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी पर्सनल लैंड को परचेज करते समय एग्रीकल्चर लैंड को किसी व्यक्ति के पास 12.5 एकड़ यानी 12.5 एकड़ लैंड से अधिक लैंड नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर लोग बहुत सारी भूमि को अनजाने में यदि क्रय कर लेते हैं तो उनके ऊपर फिर इस एक्ट को लागू किया जाता है और इसके लिए जो प्रोविजंस हैं रेवेन्यू कोड में सीलिंग एक्ट में उनके अकॉर्डिंग फिर जो भी व्यक्ति जिसने लैंड को
एक्सेस लैंड को परचेज किया है वो लैंड गवर्नमेंट में निहित भी हो सकती है या गवर्नमेंट द्वारा वो एग्जम्पशन भी हो सकता है एक सर्टेन पेनल्टी के साथ में। सामान्य तौर पर जो कानून है उसमें लैंड को जब एक्सेस लैंड होती है तो उसको सरकार अपने अधिग्रहित करते हुए अपने अपने नाम से उसको दर्ज कर लेती है यानी वो सरकार में निहित हो जाती है। तो वैधानिक रूप से किसी व्यक्ति को 12.5 एकड़ लैंड से अधिक एग्रीकल्चर लैंड को परचेज नहीं करना चाहिए पर्सनली, और ये नियम फर्म कंपनी सोसाइटी इनके लिए लागू नहीं होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कानून है जिसकी जानकारी लोगों को ना होने पर अनजाने में लोग कुछ अधिक भूमि को क्रय कर लेते हैं, तदुपरांत उनकी उस भूमि का गवर्नमेंट द्वारा अधिग्रहण करके अपने में निहित कर लेना, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अनिल जायसवाल हैं महाराष्ट्र से। अनिल अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैडम ये मुस्लिम मैरिज लॉ के हिसाब से अपन कितनी शादियां कर सकते हैं? देखिए मुस्लिम लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग मुस्लिम लॉ और शरीयत दोनों के जो कानून हैं वो सिमिलर ही हैं। ऐसी स्थिति में आप तीन निकाह कर सकते हैं, तीसरे निकाह के बाद चौथे निकाह को करने के लिए उनमें से एक को आपको डाइवोर्स यानी तलाक देना होगा। तलाक के लिए जो विधि व्यवस्थाएं हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट व्यू हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ जो गवर्नमेंट के अमेंडमेंट्स के साथ लॉज हैं उनको फॉलो करना आवश्यक होगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं। अर्जुन अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी अर्जुन अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो अर्जुन आपकी आवाज आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। लगता है संपर्क टूट गया है। सर मेरा आपसे सवाल है, जैसे कि इसी बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं अंकित। अंकित अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जितना मेरा सवाल ये था कि मैं काशीपुर उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, एक्चुअली क्या है मेरी एक संपत्ति है तो मुझे ये राय लेनी थी। मेरी जो दादा लाई संपत्ति है मेरे दादाजी की डेथ हुई थी 98 में जी। उसके बाद में मेरे दादाजी के बाद में हाउस एक्ट मेरी दादी जी का आ गया था, देन मेरी दादी जी ने रजिस्ट्री मेरी बुआ को कर दी है 2015-16 में, तो क्या उनको ये अधिकार है कि हमारी जो संपत्ति है जिसमें कि मेरे पापा मेरे चाचा का इच्छा था वो मेरी बुआ के नाम मेरी दादी कर सकती हैं? तो मुझे ये जानना था क्या वो प्रॉपर्टी हमें मिल सकती है? देखिए आपके दादाजी की संपत्ति यदि दादाजी ने स्वयं क्रय की थी यानी परचेज की थी तो वो उनकी संपत्ति हो गई। यदि उनके उनके पिताजी की वो संपत्ति है तो वो वैधानिक रूप से उनकी पत्नी द्वारा यानी आपकी दादी द्वारा किसी एक के पक्ष में रजिस्ट्री के माध्यम से ट्रांसफ़र कर देना वैधानिक नहीं है। अभी आप अगर अपना वैधानिक अधिकार चाहते हैं तो आप उस डीड को न्यायालय के समक्ष डिक्लेरेशन सूट के माध्यम से जो CPC के प्रोविजंस उनको फॉलो करते हुए चैलेंज कर सकते हैं कि दादी द्वारा जो बुआ के पक्ष में की गई डीड है वो डीड इलीगल हुई और उसको सेट असाइड किया जाए। ऐसी स्थिति में न्यायालय एविडेंस और हिंदू सक्सेशन एक्ट को ध्यान में रखते हुए आपकी रिलीफ और आपके ग्रीवांसेस पर डिस्कशन होने के बाद माकूल निर्णय दे सकती हैं। कॉल करने के लिए अंकित बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरा आपसे ये सवाल था, अभी थोड़ी पहले जो हमने खबर पढ़ी लखनऊ से जहाँ पर जो दो आतंकी पकड़े गए हैं वो रेंट पे रह रहे थे, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जो ओनर है उसे अगर ये मालूम नहीं था, क्योंकि एक कानून ये भी है कि अगर आप किसी किराएदार को रखते तो उससे पहले आपको उसका प्रमाण पत्र भी रखना होता है कि वो कौन है, कहाँ से, आधार कार्ड या पैन कार्ड, और अगर आपने ये नहीं लिया है तो आगे अगर किसी तरीके की कोई कार्रवाई होती है तो क्या ओनर पर भी होगी? देखिए कोई भी प्रमाइसेस जिस प्रमाइसेस पे कोई टेनेंट रहता है तो अभी रेंट कंट्रोल एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं और जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग लैंडलॉर्ड को जो भी टेनेंट हैं उन टेनेंट की ID प्रूफ को लेना है, उनके साथ में एक एग्रीमेंट करना है सर्टेन पीरियड का, वो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, और साथ ही साथ उनको घर में रहने वाले हर टेनेंट की अगर उनको वो संदिग्ध लगते हैं तो उसकी इंटीमेशन संबंधित थाने को जो उनका जिस थाना परिक्षेत्र में उनका मकान है उनको देनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई जानबूझकर या नेग्लिजेंसी के साथ में इन रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उनके खिलाफ़ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि कोई अनजाने में यानी उसकी जानकारी में नहीं था कि किस तरह के लोग हैं या भूलवश उसने कोई उनकी ID वगैरह कलेक्ट नहीं किया है या कोई एग्रीमेंट नहीं किया है तो ये इलीगल एक्ट हैं, इन पर हर लैंडलॉर्ड को बहुत ही कॉन्शियस रहना चाहिए क्योंकि
घर में रहने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी अपराध की जिम्मेदारी घर में रहने वाले समस्त लोगों की हो सकती है यदि वो समस्त लोग की जानकारी में वो प्रकरण हो। जी गौतम इसी बीच वासत हिमाचल से जुड़ चुके हैं। गौतम अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी गौतम अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार अपना प्रश्न पूछिए। मैडम मैं एनपीएस एम्प्लॉय हूँ अरुणाचल प्रदेश में। मैडम जी 2010 में ज्वाइन किया हूँ मैडम, तो एनपीएस एम्प्लॉय के लिए वकील साहब से कुछ राय जानना चाहेंगे, हम लोग के लिए कुछ पेंशन का प्रावधान होगा क्या मैडम? देखिए आपको जिस समय ज्वाइनिंग दी गई उस समय आपके साथ ज्वाइनिंग नोट में एक साइन कराया गया होगा, उस ज्वाइनिंग नोट में जो साइन कराया गया है वो सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग लेटर आपको जारी होता है, तो ज्वाइनिंग लेटर में ही ये टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होंगी कि आपके जो आपके एम्प्लॉई जो एम्प्लॉयर हैं, आप एम्प्लॉई थे वहाँ, जो आपके एम्प्लॉयर हैं वो एम्प्लॉयर किस टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको अपने यहाँ एज ए एम्प्लॉई रखते हैं, यानी आपने जो योगदान दिया उस योगदान को देने के साथ जो सर्विस रूल्स थे उसको फॉलो करते हुए जो भी एम्प्लॉयर हैं उनको आगे आपको कंटिन्यू करना चाहिए, और आपके जो कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स हैं कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स को आपको उन्हें देना चाहिए। इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के सर्विस मैटर पर बहुत ही लेटेस्ट लॉज हैं, आपको यदि आपके कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट्स नहीं मिले हैं या आपको कोई ग्रीवांस है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट फाइल करते हुए अपने रिलीफ को सीख कर सकते हैं और रिलीफ ले सकते हैं। जहां तक आपके पेंशन का प्रश्न है, यदि पेंशन आपके सर्विस रूल्स में जब आपको सर्विस ज्वाइन कराई गई और आपको पेंशन देने का प्राविधान नहीं था उसमें तो आगे आपको पेंशन नहीं प्राप्त हो सकती है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, वकील साहब से और भी जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, चल हाथ रोता है। खबरों का सारथी। नमस्कार सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-1805145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम मैं रेणुका बोल रही हूँ, एक लड़का ऐसे लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम अलग अलग विषयों पर आज चर्चा कर रहे थे। पहले हमने बात की थी समान नागरिक संहिता को लेकर, उसके बाद कृषि भूमि को लेकर, आगे हम और भी विषयों पर बात करेंगे। पर इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए फारूक है, राजस्थान से। फारूक, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हमारे दादा ने एक प्रॉपर्टी अलीगढ़ में खरीदी थी, ली थी लीज पर जी। और वो 95 इयर्स के लिए ली थी और उस प्रॉपर्टी की लीज अब करीब 20-25 साल अभी बाकी है। क्या वो फ्री होल्ड हो सकती है? और उसको फ्री होल्ड हमने कराया था दादा ने हमारे 87 में, लेकिन उसके पेपर्स हमें हमारे पास से मिसिंग है, वो हमें मिल नहीं रहे हैं। तो अब उसे किस तरीके से हासिल कर सकते हैं या फिर इसका कोई और क्या तरीका है, कैसे हम इसको मतलब लीज के लिए हमको वो कर सकते थे? देखिए, आपके दादाजी ने जो लैंड को लीज पर लिया 95 इयर्स के लिए, उसकी लीज अभी पेंडिंग है, यानी जो ड्यूरेशन है वो पेंडिंग है। तो ऐसी स्थिति में आपका उसमें लीज राइट बरकरार है जब तक कि लीज की मियाद समाप्त ना हो जाए। अब दूसरा प्रश्न आपका ये है कि दादाजी ने उसको फ्री होल्ड कराया था, तो जिस एजेंसी से उस जगह को लिया गया है लीज पर, फ्री होल्ड भी उसी एजेंसी के द्वारा किया जाएगा, ये कानून है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपके दादाजी द्वारा उस प्रॉपर्टी को किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से लिया गया है, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी से ही उसको फ्री होल्ड कराया गया होगा। यदि आप डिपार्टमेंट में सर्च कराएंगे तो आपको सर्च कराने के बाद फ्री होल्ड डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यदि वो फ्री होल्ड हो चुका है तो फिर आपकी वो प्रॉपर्टी लीज होल्ड नहीं रही, फिर तो आपके एब्सोल्यूट राइट हैं वहाँ पर। आप यदि मुस्लिम हैं तो आपके ऊपर मुस्लिम लॉ का जो विधि व्यवस्थाएं हैं वो लागू होती हैं और उसके आधार पे आप सक्सेसर होते हुए उस जगह के मालिक हैं। लेकिन यदि फ्री होल्ड अभी नहीं हुआ है और आप फ्री होल्ड कराना चाहते हैं, तो जिस एजेंसी से लीज कराई गई है वो लीज नजूल लैंड के लिए भी हो सकती है, वो किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी हो सकती है, वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की भी हो सकती है। जब तक उस लीज डॉक्यूमेंट को ना देखा जाए तब तक ये क्लियर ओपिनियन नहीं आ सकती है कि आपको फ्री होल्ड कैसे कराना है। लीज डॉक्यूमेंट को एक बार आप चेक करिए, उसमें लीजकर्ता में जिसका नाम लिखा है, जिस एजेंसी का नाम लिखा है, उसके द्वारा ही उस प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड किया जाएगा और लीज डीड में ही टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न में होती हैं, जिसमें यह अभिवर्णित होता है कि जो लीज है इस लीज को किस टर्म्स एंड कंडीशन पर आगे फ्री होल्ड कराया जा सकता है। तो आप निश्चित रूप से पहले अपने लीज के डॉक्यूमेंट्स को अवलोकित करिए, यदि वो फ्री होल्ड हो चुकी है तो आप उस डिपार्टमेंट से फ्री होल्ड के डॉक्यूमेंट्स को निकलवाइए, यदि नहीं हुई है तो आप लीज डीड के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्री होल्ड के लिए अप्लाई करिए और जो उसकी निश्चित फीस है उसको आप जमा करिए। आपके पक्ष में फ्री होल्ड हो चुका है तो आप एब्सोल्यूट ऑनर हैं, फ्री होल्ड नहीं हुआ है तो आप फ्री होल्ड करा सकते हैं। कॉल करने के लिए फारूक जी बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कानून से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और वकील साहब आपको जवाब देंगे। सर, हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे कि किसी व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी कृषि भूमि हो सकती है, तो आपने बताया था कि 12.5 एकड़ के बाद जमीन नहीं हो सकती है। क्या ये इंडस्ट्री लगाने पर भी यही सीलिंग एक्ट लागू होता? देखिए, बहुत सारे इंडस्ट्री जो चालू की गई हैं उन इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर लैंड परचेज करके उसमें लैंड यूज चेंज करा के या लैंड यूज ना भी चेंज करा के इंडस्ट्री लगा दी गई और इंडस्ट्री को आगे रन किया गया। ऐसी स्थिति में बहुत सारे केसेस में यह देखने को मिला कि वहाँ पर तहसीलदार, SDM, DM स्तर से ऑब्जेक्शंस आए कि आपने जो लैंड परचेज की है वो लैंड 12.5 एकड़ से ज़्यादा लैंड है। ऐसी स्थिति में उसमें सीलिंग एक्ट लागू होता है। जो इंडस्ट्रियल एक्ट में प्रोविज़न है सेक्शन 6 सब क्लास ए, सेक्शन 6 में जो प्रोविजन्स हैं उन प्रोविजन्स में कैसे सीलिंग से एग्जेम्प्ट होगी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एग्रीकल्चर लैंड, इसके प्रोविजंस हैं। और उसमें सेक्शन 6A में जो स्पेसिफाई किया गया है वो ये किया गया है कि कोई यदि इंडस्ट्री के पर्पस से एग्रीकल्चर लैंड को परचेज कर रहा है और उसमें उसने एग्रीकल्चर लैंड जो थी उसका लैंड यूज चेंज करा के उसको इंडस्ट्री के रूप में डेवलप कर लिया है और इंडस्ट्री उनकी रन कर रही है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्ट जो है उसके सेक्शन 6 का बेनिफिट
मालिक को प्राप्त होगा, जो इंडस्ट्री का मालिक है या भूमि का भूमिधर रहा है उसको उस सेक्शन 6 के प्रोविजंस का बेनिफिट मिलता है। वहाँ पर फिर सीलिंग एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन रेवेन्यू जहाँ जनरेट होता है वहाँ पर रेवेन्यू कोड के प्रोविजंस लागू होते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री चलती है वहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्ट के जो प्रोविजंस हैं लागू होते हैं। सीबीएच के साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, निहाल हैं अहमदाबाद से। निहाल, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी निहाल जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ, मेरा क्वेश्चन ऐसा है मैडम, 30 साल पहले जी हमारा एक मकान है, हमने एक रिलेटिव को ऐसे ही, वो गरीब थे जी, उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी जी, उसका हस्बैंड गुजर गया था और उनका खाने पीने का भी सवाल था और हमारे रिलेटिव थे, तो हमने उनको ऐसे ही रहने के लिए दिया था जी। अब उसको 30 साल से ऊपर हो गए हैं, लोग खाली नहीं करते, वो जो जिसको दिया था वो तो गुजर गए, लेकिन उनके बच्चे हैं, बच्चे खाली नहीं करते, ताला मार के रखा है जी। वो लोग दूसरी जगह रहते हैं अभी। निहाल जी, जो आपने अपनी प्रॉपर्टी को अपने किसी रिलेटिव को यूज़ करने के लिए दिया, वैधानिक रूप से आपने यदि उसके लिए कोई एग्रीमेंट किया होता तो आपके लिए ज़्यादा आसान होता, लेकिन आपने उनको जो अपना मकान रहने के लिए दिया वो आपने सिंपैथी में, रिलेटिव होने के नाते आपने दया भाव दिखाते उनको दे दिया। अभी वो यदि चाहें तो जो प्रतिकूल कब्जे का प्राविधान है, एडवर्स पोजीशन का, उसके अकॉर्डिंग उस जगह पर वो अपने राइट को इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन यदि उन्होंने ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया है तो आप उनके लिए इजेक्टमेंट यानी बेदखली की कार्रवाई न्यायालय के माध्यम से कर सकते हैं। आपको उसमें ये इस्टेब्लिश करना है कि ये मेरे रिलेटिव्स हैं, इनको मैंने रिश्ते की वजह से व्यवहार में रहने के लिए दिया था और इस प्रॉपर्टी के मैं एब्सोल्यूट ऑनर हूँ जिसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो इलीगल ट्रेसपासिंग एट प्रेजेंट, वो जो वहाँ पर उनका पोजीशन का स्टेटस है, आपने कहा कि ताला बंद किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वो लीगल पोजीशन होल्डर के रूप में है या इलीगल ट्रेसपासर के रूप में है, तो उनको आप कानूनी तरीके से न्यायालय के माध्यम से बेदखल कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय किसी भी इलीगल ट्रेसपासर को कोई भी लीगल सपोर्ट नहीं लेने देती है। आप यदि केस उनके खिलाफ इजेक्टमेंट का करते हैं तो निश्चित रूप से इजेक्टमेंट के साथ साथ आप डैमेजेस की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके वहाँ ताला लगा हुआ है और डैमेजेस आपको क्लेम करने का राइट है। साथ ही साथ जितने समय से उनका ताला लगा हुआ है और उन्होंने आपको कोई यूज़ एंड ऑक्यूपेशन चार्ज नहीं दिया है, तो एज अ लाइसेंसी यदि आपने उनको जगह दी थी तो आप उनसे यूज़ एंड ऑक्यूपेशन चार्ज भी क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई के साथ ये सारे जो आपको रिलीफ मिल सकते हैं इनको ही मेंशन करिए, निश्चित रूप से बेदखल भी होंगे और आपको आपके जो भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए उनके कब्जा रखने से वो आपको प्राप्त होंगे। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजकुमार हैं चंडीगढ़ से। राजकुमार जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ जी जी, राजकुमार जी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे है जी, 40% ये प्राप्ति का जो है ना शेयर परचेज कर चुके थे जी, अपना चंडीगढ़ में जी, तो 40% का शेयर परचेज करने के बाद जो अदर अपना जो ओनर थे जी, तो उन्होंने रेंट का केस डाल दिया जी। राजकुमार जी, क्या चाहते हैं अभी आप? मैं ये चाहता हूँ कि ये उन्होंने रेंट का केस डाला है तो ये रेंट मेरा देना बढ़ता है कि नहीं बनता? मैं पोजेशन में हूँ और 40% शेयर खरीदा हुआ है। देखिए, आप जिस प्रमाइसेस में पोजीशन में हैं और वहाँ पर आप एज अ टेनेंट पोजीशन में पहले आए होंगे, टेनेंट के रूप में आने के बाद आपने जो को शेयरर हैं उन को शेयरर में से किसी से आपने 40% शेयर को परचेज कर लिया, तो एट प्रेजेंट आप उसमें को ऑनर भी हो गए। को ऑनर हो गए तो जब तक डिवीज़न नहीं होता है तब तक आपका जो एरिया है वो डिमार्केशन उसका नहीं हो पाता है, यानी डिमार्केटेड नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में
आप जब उसमें को शेयरर हो गए हैं और यदि आपको ये लगता है कि जितनी जगह पर आप काबिज़ हैं वो 40% एरिया ही है, तो ऐसी स्थिति में आप मालिक होने के बाद फिर किराया देने की बात नहीं करिए, क्योंकि आप जब उस जगह को परचेज करने के बाद को शेयरर हो गए यानी सह मालिक हो गए, तो सह मालिक किसी दूसरे सह मालिक को उपयोग उपभोग शुल्क या किराए की राशि नहीं देता है। किराए की राशि तो किराएदार और मकान मालिक के बीच में जो रिश्ता है उसके इस्टेब्लिश होने के बाद किराएदार मकान मालिक को देता है। तो आप सह मालिक हैं इसलिए आपको किराए की राशि किसी अन्य को देने की कोई विधिक आवश्यकता नहीं है। जी राजकुमार जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अगर कानून से जुड़े आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। और इसी बीच हमारे साथ सोम है राजस्थान से। सोम, अब तक प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मेरी उम्र 60 साल है और मेरे दो लड़के हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। अब मैं उनके मेरी जायदाद पति उनके नाम करना चाहता हूँ। सोम जी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अगर आप अपने जीवन काल में अपने बच्चों के नाम करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी प्रॉपर्टी को बाय दी सेल डीड यानी बाय दी ट्रांसफ़र डीड उनको आप ट्रांसफ़र करने का अधिकार रखते हैं। आप सेल डीड के माध्यम से कर दें, गिफ्ट डीड के माध्यम से कर दें। सेल डीड और गिफ्ट डीड में डिफरेंस ये होता है कि गिफ्ट डीड में कोई भी कंसिडरेशन अमाउंट नहीं होता है यानी विक्रय राशि नहीं होती है, लेकिन यदि आप विक्रयनामा लिखते हैं तो बैनामे में कंसिडरेशन के अमाउंट होता है। आप जो अपने बेटों को ही देना चाहते हैं तो नेचुरली वहाँ पर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप उनके खिलाफ दान पत्र लिख सकते हैं यानी गिफ्ट डीड उनके खिलाफ रजिस्टर्ड करा सकते हैं, उनके लिए रजिस्टर्ड करा सकते हैं। लेकिन गिफ्ट डीड में आपको सर्कुलेट पर जो स्टैम्प पे करने चाहिए वो स्टैम्प आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इसके बाद यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन काल में वो संपत्ति आपकी रहे और आपके जीवन काल के बाद वो संपत्ति बच्चों के पास चली जाए और उसको आप पार्टीशन करके देना चाहते हैं तो आप वसीयत यानी विल के माध्यम से भी उनको उस ज़मीन का भविष्य का स्वामी बना सकते हैं। आप वसीयत में जो भी आप हिस्सा जिसको देना चाहते हैं उसको क्लियरली मेंशन करते हुए आप एक विल भी निष्पादित कर सकते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं कानून से जुड़ा यदि आपका कोई भी सवाल हो। सर, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, चेक से जुड़ा हुआ कि चेक डिसऑनर होने पर नोटिस देना आवश्यक है क्या? देखिए, चेक जो दी जाती है यानी चेक देने वाला और चेक लेने वाला दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें पैसे का आदान प्रदान होता है, रुपए का आदान प्रदान होता है। अर्थात चेक प्रदाता जो है उसको यह उसका यह कमिटमेंट होता है चेक देने के साथ कि मुझे अमुक अमाउंट जो चेक लेने वाला व्यक्ति है उसको देना है और जो चेक लेने वाला व्यक्ति है उसका नाम चेक में वर्णित है तो वो व्यक्ति उतनी राशि को पाने का वैधानिक रूप से हकदार हो जाता है। यह चेक देने के साथ ही तय हो जाता है। इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी विधि व्यवस्थाएं हैं और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उस एक्ट में जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 138 के, उन 138 के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए जो चेक है उस चेक को रुपए प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो अपने बैंक खाते में लगाता है तो बैंक खाते में लगाने के बाद उस चेक का अमाउंट उसके खाते में क्रेडिट हो जाना चाहिए यानी आ जाना चाहिए। लेकिन यदि वो चेक डिसऑनर हो जाती है, अनादरित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसके लिए 138 NI एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए सबसे पहले एक नोटिस देना होता है और उस नोटिस को भेजने का भी एक सर्टेन ड्यूरेशन है। अर्थात जिस दिन आपको चेक डिसऑनर होके मेमो के साथ प्राप्त हुई तो आपको ये देखना होता है कि मेमो में क्या कंडीशन लिखी हुई है जिसकी वजह से चेक डिसऑनर हुई है। यदि स्टॉप पेमेंट किया गया है, यदि इनसफिशिएंट अमाउंट है, यदि चेक में साइन डिफर करते हैं या कोई भी ऐसा रीज़न, जो मेमो में 10-15 रीज़न होते हैं उनमें से कोई भी एक ऐसा रीज़न जिसकी वजह से वो चेक डिसऑनर हुई है उसको देखने के बाद चेक प्राप्तकर्ता को एक नोटिस देना होता है। उस नोटिस को देने के बाद वो नोटिस 30 डेज़ के अंदर चली जानी चाहिए।
नोटिस जाने के बाद जो चेक प्राप्तकर्ता हैं उनको ये अपेक्षा रहती है कि जो चेक देने वाले व्यक्ति हैं नोटिस प्राप्ति के साथ ही चेक में जो अमाउंट वर्णित है वो और जो नोटिस का खर्चा है उसको चेक प्राप्तकर्ता को तुरंत प्रदान कर देंगे। लेकिन सामान्य तौर पर जब विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे स्थितियां नहीं देखने को मिलती, यानी नोटिस जाने के बाद भी सामान्य तौर पर लोग पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर उसके बाद जो चेक प्राप्त करता है उनको अधिकार है कि वो परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। जी आप बिल्कुल धर्मेंद्र जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने ये तो बता दिया कि चेक डिसऑनर होता है तो हमें नोटिस किस तरीके से भेजना है, क्या आवश्यक है या नहीं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर परिवाद यानी कि मुकदमा दर्ज कराना है तो फिर क्या करना होगा। देखिए जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया, चेक डिसऑनर होने के बाद विद इन 30 डेज जो नोटिस दी जाती है उस नोटिस में सारे कंटेंट्स यानी रिलेशन जो चेक देने वाला और चेक लेने वाला उनके बीच में क्या रिलेशन था, व्यापारिक रिश्ता था या कोई और रिश्ता था, जिसकी वजह से उन्होंने पेमेंट पूर्व में किया या कोई गुड्स दिए या कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन था जिसकी वजह से चेक देनी पड़ी। अब चेक जिसको प्राप्त हुई है उसको चेक प्राप्त होने के बाद यदि नोटिस देने के उपरांत पेमेंट नहीं होता है तो वो न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत कर सकता है अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट। अब जब वो परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो परिवाद में सारे फैक्ट को वो बहुत ही सजगता के साथ वर्णित करते हैं, इसलिए कि जब आगे इसका ट्रायल चलेगा यानी परिवाद का जब ट्रायल चलेगा और उस ट्रायल में न्यायालय पेमेंट देने के लिए विपक्षी को यानी चेक प्रदाता को आदेशित करेंगी तो वहाँ पर सारे एविडेंसेस देखे जाते हैं कि जो चेक डिसऑनर हुई है उस चेक के डिसऑनर होने का रीज़न क्या था, रीज़न में जो लीगल फैक्ट और लीगल एविडेंसेस आती हैं उसको भी कोर्ट कंसीडर करती है, कंसीडर करने के बाद ही उसमें कोई डिसीजन आता है। तो ऐसी स्थिति में जो चेक प्राप्त करने वाला यानी जो परिवादी है उसको परिवाद प्रस्तुत करते समय क्या रिलेशन था उस रिलेशन को मेंशन करना चाहिए, चेक किस डेट में दी गई, किस अमाउंट के लिए दी गई इसको मेंशन करना चाहिए। माफ कीजिएगा धर्मेंद्र जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं। आपको बता दें कि ये वही मकान है जहाँ पर UPATF ने छापेमारी की है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से जहाँ पर UPATF ने की है छापेमारी। दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है जिनके तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बॉर्डर से हैंडलिंग की जा रही थी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर से इनको हैंडल किया जा रहा था, कंट्रोल किया जा रहा था। और आपको बता दें कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें और भी बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे, जो पूरा इलाका है दुबक्का इलाका ये जो पूरा है इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया और यहाँ पर आप भारी पुलिस बल देख सकते हैं। ATF की एक बड़ी सफलता कह सकते हैं क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जो आतंकी है वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ऐसा माना जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि कई सांसद जो बहुत चर्चित चेहरे हैं वो उनके शायद निशाने में हो सकते थे, इस तरीके की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर आप ये देख सकते हैं ये वही मकान है जहां पर ATF ने छापेमारी की है और लगातार ये सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रहा। करीब 5 घंटे ये सर्च ऑपरेशन चला है और 2 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लगातार पूछताछ जारी है, तमाम तरीके की जानकारियां जो है वो सामने आ चुकी हैं। अब तक आपको बता दें कि इन आतंकियों के तार पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि प्रेशर कुकर में आपको बता दें कि बम बरामद हुए थे यहाँ पर और अर्धनिर्मित टाइम बॉम्ब भी ATF ने बरामद किए हैं और 5 से 6 किलो के आसपास बम बनाने वाली सामग्री जो है वो भी बरामद की गई है। फिलहाल छावनी में पूरा जो इलाका है उसे तब्दील कर दिया गया और करीबन 5-5.5 घंटे ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और आपको ये भी बता दें कि छापेमारी से पहले ये जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने कुछ कागजात जलाए थे और ऐसा माना जा रहा है कि उनको शायद कहीं से सूचना मिल गई थी कि छापेमारी होने वाली है और उससे पहले ही उन्होंने वो कागजात जला दिए हैं। हालांकि लगातार उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है और ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं जहाँ पर इलाके को पूरी तरीके से
छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दो संदिग्ध युवकों के पकड़े जाने की सूचना है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। इस मकान का जो मालिक है, वो जो ओनर है, वो गुड्डू नामक एक व्यक्ति बताया जा रहा है और उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, यहीं से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करीबन 5.5 घंटे ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा। करीब 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें तमाम खुलासे जो हैं वो किए जा सकते हैं। जो भी जानकारी हासिल हुई होगी इन दो संदिग्धों से, वो तमाम बातें जो हैं वो मीडिया से ब्रीफिंग की जाएगी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर एटीएस लखनऊ का सर्च ऑपरेशन करीबन 5.5 घंटे तक जारी रहा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलाके को पूरी तरीके से छानने में तब्दील किया गया और भारी पुलिस बल जो है वो भी मौजूद रहा। आसपास के जो घर हैं उन्हें भी खाली करवा लिया गया था और उनसे भी पूछताछ की गई थी। ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। दो आतंकियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तमाम जानकारियां जो हैं वो उनसे ली जा रही हैं और इसी पूछताछ में ये बात निकल कर सामने आई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इन आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं। इन्हें पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से कंट्रोल किया जा रहा था और ये किसी बड़ी घटना की साजिश रच रहे थे। हालांकि उससे पहले ही एटीएस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अर्धनिर्मित टाइम बॉम्ब जो है वो बरामद हुए। बम बनाने वाली सामग्री यहाँ पर बरामद हुई करीब 5 से 6 किलो तक और प्रेशर कुकर में बम बरामद हुए। और जब छापेमारी करने के लिए यहाँ पर एटीएस की टीम पहुँची थी, उससे पहले ही कुछ कागजात जो हैं वो इन लोगों ने जलाए। जब अंदर सर्च ऑपरेशन हुआ तो ये बातें भी सामने आई। एटीएस लखनऊ का सर्च ऑपरेशन, दो संदिग्ध युवकों के पकड़े जाने की सूचना है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि रायबरेली, सीतापुर भी हाई अलर्ट में रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से संदिग्ध मिले हैं और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि और लोग भी जो हैं 5 से 6 लोग फरार होने की बात भी सामने आई है, तो वो आगे वहाँ कहीं छुपे हो सकते हैं। इसलिए रायबरेली और सीतापुर को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। आसपास के और भी जिले हैं उनको भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। लगातार आने जाने वालों की भी चेकिंग जो है वो की जा रही है, क्योंकि 4 से 5 लोगों के फरार होने की सूचना बताई जा रही है। लखनऊ एटीएस आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन करीब 5.5 घंटे तक के ऑपरेशन चला है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको घर के बाहर की दिखा रहे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि घर के बाहर छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरे इलाके को और चारों तरफ से घर को घेर लिया गया था। जैसे ही ये सूचना एटीएस को मिली थी कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध छुपे हुए हैं, उसके बाद से ही एटीएस ने छापेमारी की और दो लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद कहा जा रहा था कि अंदर और लोग भी मौजूद हो सकते हैं। हालांकि बाद में सूचना मिली कि 5 से 6 लोग जो हैं वो फरार हो गए हैं और लगातार छापेमारी जो है वो की जा रही है और हाई अलर्ट पर रखा गया है। आसपास के जो इलाके हैं, जिले हैं, उन्हें सीतापुर रायबरेली को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें आगे और खुलासे किए जा सकते हैं। जीके गोस्वामी द्वारा आगे और भी खुलासे किए जा रहे हैं। लखनऊ में अलकायदा आतंकवादियों से जुड़े मामले में ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। मरियाओं से भी एक संदिग्ध आतंकी हिरासत में लिया गया है। दो संदिग्ध युवकों के पकड़े जाने की सूचना थी। और इसी बीच आपको लखनऊ से एक और बड़ी खबर बता देते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, मड़ियाओं से भी पकड़ा गया एक संदिग्ध आतंकी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मड़ियाओं के महिबुल्लापुर से युवक हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि दो लोग दुबका इलाके से गिरफ्तार किए गए थे और एक मड़ियाओं से गिरफ्तार किया गया है। प्रेशर कुकर के जरिए युवक के माता पिता से एटीएस कर रही है लगातार पूछताछ। सूत्रों के हवाले से यह खबर। लखनऊ से सटे अन्य जिलों में जारी हुआ है अलर्ट। सीतापुर रायबरेली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी बॉर्डर पर बढ़ी है चेकिंग। आपको बता दें कि बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी।
मड़ियाल से भी एक संदिग्ध आतंकी हिरासत में लिया गया है और पकड़े गए आतंकियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। और इस पूरे मामले में डीजीपी मुकुल गोयल जी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। कार्रवाई की है नहीं, अभी अभी मेरी जानकारी में नहीं हुई, मैं तो यहीं पे लग रहा हूँ। बनारस की विरेकी करने की ऐसी सूचना आ रही है, बनारस के अभी अभी, अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं। अच्छा, इस बारे में इसको कितनी बड़ी घटना, प्रधानमंत्री का दौरा अभी अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी कार्रवाई ईटीएस की चल रही है, शाम तक ही स्थिति क्लियर होगी। नहीं, वो तो आपको बता चुका हूँ मैं कि अभी हम लोग देख रहे हैं, दो जगह हम देख चुके हैं, बीएचयू भी अभी जाएंगे, उनका रूट वगैरह में क्या समस्याएं और लोकल ऑफिसर से बात हो गई है और कल एसपीजी के भी अधिकारी आ रहे हैं और बिल्कुल पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और यहाँ पर आपने डीजीपी मुकुल गोयल जी को सुना जिन्होंने कहा कि शाम तक ही स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगी और उन्होंने फिलहाल अभी और जानकारियां नहीं दी हैं। संभवतः 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें तमाम खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और वकील आपका, मैं इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।